कैसे आप सभी, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कुछ विज्ञान के ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जीव विज्ञान के क्वेश्चन आपको मैं कुछ यहां पर बताऊंगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक स्टूडेंट को इसको पता होना चाहिए, इसके आंसर पता होना चाहिए। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आप चाहे टेंथ का तैयारी कर रहे हैं या इलेवेंथ या ट्वेल्थ या आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखना है कि आपको कितना मालूम है। ठीक है, तो आपको ये भी चेक करते रहना है कि आपको इसमें 10 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, 10 में से आपका कितना सही होता है, आपका कितना मालूम है। ठीक है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो बोल रहा है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो बहुत लोग को मालूम था, मालूम होगा ये। ठीक है, तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है क्या होता है, 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। अब थोड़ा हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि पीएच क्या होता है। तो पीएच जो मान होता है ना, अम्ल और क्षारक को पहचान करने वाला एक स्केल होता है। उसमें क्या होता है कि 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं अंकित रहती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं उसमें रहती है और इसके बीच में 7 होता है। अगर 7 से मान कम रहेगा किसी पदार्थ का तो वो होगा अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो वो होगा आपका क्षारीय हो जाएगा, और 7 के बराबर होगा तो होता है उदासीन होता है। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि मूत्र अम्लीय है कि क्षारीय है, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा कि भाई 7 से कम होता है तब तो देते हैं अम्लीय होता है, और 7 से जब अधिक होता है तब होता है क्षारीय होता है। तो मूत्र का पीएच मान कितना है? 6 है। तो मूत्र क्या होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय हो गया? अम्लीय हो गया, क्योंकि 7 से कम हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि उदासीन विलयन के मान कितना होगा, तो 7 होगा। क्षारीय कितना होगा? तो 7 से अधिक होगा। अम्लीय कितना होगा? 7 से कम होगा। मूत्र अम्लीय है कि क्षारीय है? तो अम्लीय है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। क्लियर हो गया, आगे चलिए। सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है काफी भी आपका आसान है, सबको मालूम होगा ही। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो हमको ये पता है कि आपको ये पता है। ठीक है, तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4, 7.4 होता है। अब यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूँ कि बताइए रक्त अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? क्षारीय होगा भाई, क्योंकि 7 से अधिक है, 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीय होगा। ठीक है, और 7 के बराबर होगा वो उदासीन होगा, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है तो शुद्ध जल का होता है उदासीन होता है। और ये अम्लीय क्षारीय क्या होता है? अम्लीय मतलब खट्टा और क्षारीय मतलब तीखा कड़वा होता है। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सबको मालूम होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है। ठीक है, मूत्र दुर्गंध देता है, मूत्र जो होता है दुर्गंध देता है, वो किसके कारण देता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मूत्र है वो किसके कारण वो गंध देता है, दुर्गंध देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया हो जाएगा। क्या होगा? यूरिया होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? यूरिया। ठीक है, मूत्र जो होता है यूरिया के कारण क्या होता है? दुर्गंध देता है। और यूरिया का सूत्र भी याद रखिएगा, यूरिया का सूत्र जो होता है NH2CONH2, ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र भी आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, NH2CONH2। ठीक है, तो सबसे पहले जो मूत्र में ही यूरिया का खोज हुआ 1773 में, तो यहाँ क्वेश्चन था क्या कि मूत्र दुर्गंध देता है, किससे कारण देता है? तो यूरिया कारण देता है। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होता है, कितना परसेंट जल की मात्रा होता है, हम लोग का शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65% से लेकर के 80% तक ये पाया जाता है जल की मात्रा। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है भाई साहब? 65 से 80% आपका आंसर होगा। ठीक,
आगे देखिए, आगे बोल रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अकृत है, क्या है, अकृत, जिसको क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो ये होती है आपका पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो सबसे क्या होती है, सबसे छोटी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि और सबसे बड़े ग्रंथि आपका यकृत होता है, ठीक। आगे चलिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण WBC श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो श्वेत रक्त कण का जो WBC होता है उसका जीवन काल कितना होता है, ये होता है 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन तक होता है, कितना होता है, 2 से 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। एक याद रखिएगा, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइटस भी कहते हैं, ल्यूकोसाइटस भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, संयुक्त रक्त कण को ल्यूकोसाइटस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कितना हो गया कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइटस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, इसका आंसर क्या होगा, लाल रक्त कण जो होता है इसको बोलते हैं आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है, तो ये होता है आपका 120 दिन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबको आप लोग को याद करना है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि लाल रक्त कण को बोलते हैं एरिथ्रोसाइटस, इंग्लिश में बोलते हैं एरिथ्रोसाइटस। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइटस और लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइटस कहते हैं। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन, लाल रक्त कण का कितना होता है, 120 दिन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, बोल रहा है लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, तो ये होता है आपका टाइलिन, क्या होता है, टाइलिन होता है, क्या होता है भाई साहब, टाइलिन, क्या होता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो लार होता है भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो भोजन का पाचन आपका मुख से ही प्रारंभ होता है, और लार में जो होता है क्या होता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पाचन में सहायता करता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्ध करता है, रक्त का शुद्ध करने वाला कौन है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, प्यूरिफाई कौन करता है, तो ये करता है किडनी, गुद्दा, क्या बोलता है, बोलेंगे इसे किडनी, किडनी करता है, इसे ब्रिक बोलते हैं, ब्रिक या गुद्दा, ठीक है, याद रखिएगा। रक्त का शुद्ध कौन करता है, किडनी या ब्रिक, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए है, आपको कमेंट वो करना है, ठीक है, सबको मालूम होगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, इसको आप लोगों को कमेंट में इसका जवाब देना है, आंसर इसका देना है। फिर से एक बार देखते हैं, मूत्र का पेटमान 6, रक्त का पेटमान 7.4, मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना है, 65 से 80%। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि यकृत लीवर होता है, शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन तक होता है, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटस भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। लाल रक्त कण RBC को एरिथ्रोसाइटस भी कहते हैं, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो टाइलिन है। रक्त का शुद्ध करता है, रक्त का शुद्ध करने वाला कौन है, किडनी है, ब्रिक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद होना चाहिए और इसका जवाब आप लोग को देना है, ठीक है। और कमेंट करना है, यदि ऐसा ही आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ऐसा ही आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यदि आपको ऐसा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा यार, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।